नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आप सभी का नेचुरल लाइफ में एक बार फिर से। मैं रीना आज आपके लिए लेकर आई हूँ बेड साइड ऑर्गेनाइज़र। इस तरह के ऑर्गेनाइज़र बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल होते हैं। इसे आप अपने बेड की साइड में, यहाँ पर मैंने दिखाया है, उस तरह से लगा सकते हैं। और देखिए, इसमें आप अपने न्यूज़पेपर, मैगजीन्स और अपनी पसंदगी की बुक्स और मोबाइल, रिमोट या फिर अपने चश्मा हैं, ऐसे छोटे छोटे सभी चीज़ों को ऑर्गेनाइज़ करके रख सकते हैं। ये सारी चीज़ें बेहद ज़रूरी होती हैं और इसे हम अपने पास में ही अच्छे से ऑर्गेनाइज़ करके रख सकें तो उसमें बहुत अच्छा लगता है। तो आज मैं आपको ये बेड साइड ऑर्गेनाइज़र बताऊंगी, जो कि बनाना बहुत ही ज़्यादा आसान है। और इसके बाद एक और ऑर्गेनाइज़र बताऊंगी, तो वीडियो पूरा देखना, अच्छा लगे तो लाइक करना, शेयर करना और कॉमेंट ज़रूर करना। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमें लेना है 21x11 इंच का एक क्विल्टेड फैब्रिक, जिसमें मैंने फोम और नीचे अस्तर लगाकर क्विल्ट बना लिए हैं। सेकंड फैब्रिक हमें लेना है 12x11 इंच का और थर्ड हम क्विल्टेड फैब्रिक लेंगे 11x9 इंच का। उसके बाद हमें लेना है 11x5 इंच का। तो इसकी जो चौड़ाई है वो मैंने ली है 11 इंच, बाकी हमें स्टेप बाय स्टेप थोड़े कम करते जाना है मेज़रमेंट। अब इसके अलावा मैं 3 इंच चौड़ाई की इस तरह की स्ट्रिप लूँगी लंबी। आप अपनी पसंदगी का कलर ले सकते हैं और बाकी जो क्विल्टेड फैब्रिक है वो मैंने मल्टी कलर लिया है। इसके अलावा मैंने इस तरह के 2 पेज लिए हैं। आप अपनी पसंदगी के कोई भी पेज ले सकते हैं, मार्केट में इस तरह के पेज इजीली मिल जाते हैं, या आप अपने पुराने कपड़ों से भी इस तरह के पेज रिमूव करके ले सकते हैं। अब इस पेज को देखिए, मैंने इस तरह से सबसे पहले पीस पर रखा है और इसमें हम सिलाई कर लेंगे। तो ये मैंने सिलाई करके इसे अटैच कर लिया है। अब हमें सेकंड हिस्सा लेना है, इसके ऊपर इस पीस को रखेंगे और देखिए समथिंग 3.7 इंच जितना मैंने लिया है और यहाँ दोनों साइड इस तरह से मार्क कर लिया है। मार्क करने के बाद मैंने जो स्ट्रिप ली थी पाइपिंग के लिए उसे लेना है और नीचे के साइड हम स्ट्रिप को इस तरह से रखेंगे और हमें सीधी सिलाई कर लेनी है। सीधी सिलाई करने के बाद हम स्ट्रिप को इस तरह से ऊपर की साइड डबल फोल्ड कर लेंगे और ऊपर सिलाई कर लेंगे, ताकि देखिए ये अच्छी फिनिशिंग के साथ हमारी पाइपिंग हो गई है। अब यहाँ पर इस पीस के साथ हम इसे इस तरह से 3 साइड से सिलाई करके अटैच कर लेंगे। अब जहाँ पर हमने मार्क किया था वहाँ पर भी हम सिलाई करके यहाँ पर इसे एक पॉकेट की तरह बना देंगे। तो यहाँ सिलाई करने से देखिए ये हमारे 3 पॉकेट रेडी हो जाएंगे। अब आती है नेक्स्ट हिस्से के बारे। तो सबसे पहले हम यहाँ पर भी पाइपिंग कर लेंगे, उसके बाद इसे हम जो हमारा सेकंड हिस्सा था उसके साथ अटैच कर लेंगे। तो ये हमने अटैच कर लिया। अब यहाँ पर भी हम पाइपिंग कर लेंगे। अब इससे बड़ी साइज़ का जो हिस्सा था वो लेना है और उसके साथ हम इसे अटैच कर लेंगे। तो ये सारे पॉकेट हमारे रेडी हो गए हैं। अब यहाँ ऊपर पूरे स्क्वायर में भी हम पाइपिंग करेंगे, तो उसके लिए पाइपिंग को हल्का सा फोल्ड करके यहाँ पर हम चारों ओर अटैच कर लेंगे। अब जैसे कि हमने बाकी के पीस में किया था उसी तरह से इसे राइट साइड पर टर्न करना है और डबल फोल्ड करके इसके ऊपर भी हम सिलाई कर लेंगे। इससे पहले आप मेन फैब्रिक के कॉर्नर को हल्का हल्का सा कट कर लीजिए, ताकि इसके अच्छे से फिनिशिंग आए और फोल्ड करने में आसानी रहे।
ऊपर का जो मेन हिस्सा है उसे हमें थोड़ा सा लंबा रखना है ताकि हम अच्छे से हमारा जो मैट्रेस है उसके नीचे इसे टक कर सके। तो देखिए ये हमारा एक ऑर्गेनाइज़र बनकर रेडी हो चुका है। आप इसे अपने हिसाब से अलग अलग तरीक़ों से यूज़ कर सकते हैं। अब देखते हैं ये नेक्स्ट और छोटा सा ऑर्गेनाइज़र जो दिखने में बहुत ही ज़्यादा सुंदर है और बनाने में आसान है और बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल है। इसे बनाने के लिए भी मैंने अलग अलग कलर के फैब्रिक लिए हैं। आप अपनी पसंद की एक फैब्रिक ले सकते हैं। इसके लिए सबसे पहले मैंने क्विल्टेड फैब्रिक लिया है 11x9 इंच का। आपको फोम लेना है और इसके नीचे अस्तर लेना है और उसके ऊपर देखिए इस तरह से मैंने जो सिलाई कर ली है उस तरह से क्विल्ट बना लेने हैं। तो ये क्विल्ट बनाने के बाद 11x9 इंच को मैंने इस तरह से कट कर लिया है। अब नेक्स्ट पीस हमें लेना है 9x6.5 इंच का, तो वो मैंने ग्रीन कलर का लिया था और इसे मैंने ऑरेंज कलर का लिया है। अब इस तरह का बचा हुआ ब्लाउज पीस का एक फैब्रिक पड़ा था मेरे पास, तो उसे लिया है मैंने पाइपिंग बनाने के लिए। नेक्स्ट मैंने ब्लैक कलर का क्विल्ट बनाकर इस तरह के दो सर्कल कट कर लिए हैं आइस बनाने के लिए, और वाइट कलर के दो सर्कल कट कर लेने हैं इससे बड़े साइज़ के, और मैंने एक इस तरह का रेक्टेंगल जैसा पीस रेडी कर लिया है इसके नोज़ बनाने के लिए। अब जो हमारा मेन पीस है फैब्रिक का वो लेना है और उस पर देखिए जैसे कि मैं आपको दिखा रही हूँ उस तरह से आपको मार्किंग करनी है और आउल का शेप देना है। शेप ड्रॉ करने के बाद हम इसे कट कर लेंगे। तो देखिए ये हमने कट कर लिया। अब हम नेक्स्ट पीस लेंगे जो ऑरेंज कलर का था और उसमें भी हमें इस तरह से एक हल्का सा कर्व शेप देते हुए ड्रॉ करना है और उसे हम कट कर लेंगे। लगभग मिडल से ये हमें 1 इंच जितना नीचे ड्रॉ करना है। तो देखिए ये मैंने कट कर लिया है। अब एक और पीस लेना है हमें 9x5.5 इंच का। अब ये जो हमारा एक्स्ट्रा एक पीस है 9x5.5 इंच का, उसे भी हम सेम इसी तरह से कर्व शेप देते हुए ड्रॉ करके कट कर लेंगे। अब इन दोनों पीस के ऊपर हमें पाइपिंग करनी है, तो जो मैंने एक्स्ट्रा फैब्रिक लिया था उसमें से मैं इस तरह के क्रॉस में स्ट्रिप कट कर लूँगी और स्ट्रिप को कट करने के बाद मैं इसे यहाँ पर अटैच करूँगी और बैक साइड पर देखिए डबल फोल्ड करके सिलाई कर लूँगी। तो ये हमारी पाइपिंग यहाँ पर हो चुकी है। इसी तरह से दोनों पीस में हम पाइपिंग कर लेंगे और पाइपिंग करने के बाद हम इसे इस तरह से रखेंगे और यहाँ तीनों साइड से हम सिलाई करके इसे पैक कर लेंगे और मिडल में भी हमें इस तरह से सिलाई करनी है सीधी ताकि ये हमारे दो पॉकेट बन जाए। आप चाहे तो मिडल में पहले मार्क भी कर सकते हैं। अब हम हमारा मेन हिस्सा लेंगे और उसके ऊपर इसे हम इस तरह से मिडल में रखेंगे और पूरे सर्कल में हम सिलाई कर लेंगे। आप चाहे तो इसे उल्टा रख के सिलाई कर सकते हैं देखिए इस तरह से, तो ये आपको दिखने में अच्छा रहेगा और सिलाई करने में आसानी रहेगी। तो ये देखिए मैंने सिलाई कर ली है और जो भी एक्स्ट्रा था उसे मैंने कट कर दिया है। अब हमें जो पाइपिंग का फैब्रिक था उसे लेना है और उसे हल्का सा फोल्ड करते हुए मैं यहाँ पर रखूँगी और यहाँ पर ऊपर से हम इसे सिलाई करके अटैच कर लेंगे। अब इसे हम बैक साइड पर टर्न कर लेंगे और इसे हम फोल्ड करते हुए डबल फोल्ड करना है और इस तरह से सिलाई कर लेंगे। तो ये देखिए हमने पूरे में इसे पाइपिंग कर ली है और फिनिशिंग दे दी है। अब देखिए मैं छोटी सी एक 4x2 इंच की स्ट्रिप लूँगी और इसे इस तरह से फोल्ड करके हैंगर बनाऊँगी। अब हैंगर को हमें यहाँ पर मिडल में अटैच कर लेना है। अब हमने जो आइस बनाई थी और नोज़ बनाया था उस पीस को लेना है और उसे देखिए इस तरह से हम यहाँ पर सेट कर लेंगे। उसके बाद मैं यहाँ पर ग्लूगन का यूज़ करके इसे अटैच कर रही हूँ। आप चाहे तो फैब्रिक गम का भी यूज़ कर सकते हैं या फिर इसके ऊपर सिलाई चलाकर भी आप इसे अटैच कर सकते हैं।
तो देखिए ये कितना प्यारा सा और बहुत ही यूजफुल हमारा ऑर्गेनाइजर बनकर रेडी हो चुका है। बहुत ही ज़्यादा आसान होते हैं इस तरह के ऑर्गेनाइज़र बनाना और ये बेहद यूज़फुल होते हैं। आप इसे अलग अलग तरीक़ों से यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि बेड साइड में, बाथरूम में, अलमारी में, किचन में, या फिर बच्चों की स्टडी टेबल के पास भी आप इसे लगा सकते हैं। तो आप भी इस तरह के ऑर्गेनाइज़र ज़रूर बनाना और मुझे कमेंट करके बताना कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ दोस्तों लाइक ज़रूर करना, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, और अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर लेना। ऐसे और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ हम फिर मिलेंगे दोस्तों, तब तक के लिए जय भारत।